टाइम जाया कर रहे हो, उसका मोमेंटम है, मोरल डाल दिया पूरा तुम्हारे अंदर। देख लिया तुमने तुम्हारे बेस्ट बॉलर को, जिसको हमने भी रेट किया था कि ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई निकल कर आएगा तो सिर्फ रऊफ निकल कर आएगा या चाचू, जिसका वासे ने प्रिडिक्ट किया था बैटिंग के अंदर। मगर जिस तरह से आज धोया है विराट ने यार, विराट ही धो सकता है इनको और कोई भी नहीं धो सकता। और इससे पहले मोहम्मद नवाज आपने देखा कि एक दो मौकों के ऊपर पाकिस्तान को डिसअपॉइंट कर चुके हैं आखिरी उसके ऊपर, तो आई थिंक सो कि यही प्रॉब्लम बना है पाकिस्तान के लिए। और ये जो थोड़ा सा शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से मैं बात करूं तो वो भी आउट ऑफ कलर नजर आ के असली पापा कौन है। बाबर आजम को बता दिया कि बेटा वर्ल्ड क्लास मोहल्ले वालों से नहीं खेलवाते, वर्ल्ड क्लास ग्राउंड में शो करते हैं। और बात की जो 10-15 बॉल है, हारिस रऊफ इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट का बेस्ट फास्ट बॉलर, उसको जो पांचवा वाला छक्का मारा पांचवी बॉल पे बैक पे पीछे जाके, मुझे बता दो वर्ल्ड क्रिकेट में कौन ऐसा छक्का मार सकता है। लांतियो मैं कह रहा हूं, फैंस मोहब्बत है बांटो, प्यार बांटो, इस मैच में एक इनिंग खा जाएगी। विराट कोहली ने बाबर की तरह बैटिंग की, लेकिन ये नहीं है कि दोनों ने बात कर ली और अच्छी बात की है, लेकिन विराट कोहली कभी T20 का बेहतरीन प्लेयर नहीं रहा। एवरेज अच्छा है, स्ट्राइक रेट हम आपको मुवादना करते हैं स्मिथ के साथ करते हैं, विलियमसन करते हैं, बाबर आजम करते हैं, रूट करते हैं, ये दुनिया। तो दोस्तों आपने ये छोटा सा क्लिप देखा यार, जो मैच हुआ ना यार, डेफिनेटली आप पागल हो गए होंगे, उछलने लगे होंगे जिस तरीके से इंडिया ने मैच जीता है। शायद विराट कोहली की करियर की ये सबसे अच्छी पारी होगी, ओवरऑल करियर की बात कर रहा हूँ मैं, तीनों फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से इतने प्रेशर में ये पारी खेली। और जो मतलब यार क्या पारी थी यार, वो लास्ट में 3 ओवर में 48 रन चाहिए जो कि होते हैं चेस, बट आईपीएल में होते हैं, या तो फिर मैंने एमएस धोनी को देखा है आईपीएल में करते हुए, 4 ओवर में 60 रन चाहिए थे, वाह उन्होंने मारे रन, तो ऐसा होता है कई बार, एमएस धोनी ने किया और बहुत सारे प्लेयर करते हैं, बट इंटरनेशनल में इतने बड़े लेवल पर होना मुश्किल होता है। तो पाकिस्तान के स्टूडियो में मिठाई बंटना शुरू हो गई थी, मिठाई खाना शुरू हो गई और एकदम से कोहली का तूफान और मैच इंडिया जीत गया। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को उसने बताया जो मैं कहता हूं कि पहले 5 से 10 ओवर देखते हैं, बचा बाद बचा देते हैं। बजा दिया मेरा घंटा इन्होंने पकड़ के हिला दिया मेलबर्न के अंदर, अब्बू ने मारा है, तकलीफ तो नहीं हुई होगी रमेश भाई, चांस तो नहीं मिले, चार चांस तो नहीं मिले विराट को। अबे बागर तू खिला लेता उस आसिफ टुल्ले की जगह शाहनवाज धानी या मोहम्मद सलीम को, तो ये यूनिवर्सल लानत समेट के नहीं जाता तू, दे दिया उसने तेरे टेपिए को भी, अब्बू ही मार सकते हैं। और जहां पर उन्होंने चक्के मारे वहां पर कोई फिल्टर भी नहीं था, अबे इतने बड़े चक्के तो किसी ने भी नहीं मारे इस मैच के अंदर, 4 चक्के इंडिया को, वरना मैच निकाल गया था। लोग ग्लोबली बैठे हुए हो ना, मुझे कोई शौक नहीं है पीसीबी मुझे पैसे दे भाई, मुझे कोई काम नहीं चाहिए किसी बगैरत से, लेकिन तुम लोग मान रहे हो ना, ये लोग देखते हैं छुप छुप के क्या बोला था वो, लेकिन टीम का बैलेंस बना उनकी कि उनके पास बॉलर बचे, पाकिस्तान के पास छठा बॉलर ही नहीं था। अबे उनका तो कोई भी नहीं चला, ना रोहित चला, ना केएल चला, ना पांड्या चला, ना अक्षर चला, ना सूर्या चला, चले तो अब्बू चले, अब्बू ने सब बॉलर्स को पकड़ के मारा और आखिर में टेपिए को भी बता दिया कि बेटे तेरी औकात इतनी है कि जब चाहो तेरे को छक्का मार सकता हूँ मैं। जी हाँ, ओवर किया उनसे एक बेहतर ओवर की एक्सपेक्टेशन थी, उसके बाद हारिस रऊफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थ्रू आउट द मैच, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन आखिरी ओवर में आई थिंक सो जो आखिरी बॉल पे छक्का खा गए वो बहुत बड़ा झटका था, अदरवाइज पाकिस्तान ये मैच जीत सकता था। अगर मोहम्मद नवाज के पास बॉलिंग हमने लेके जानी थी तो एटलीस्ट 20-22 रन रिक्वायर्ड थे और ये होने चाहिए थे, और यही आई थिंक सो बाबर आजम ने सोचा कि 20-22 रन हम आखिर तक बचा लेंगे और उसके बाद फिर मैं मोहम्मद नवाज को बॉलिंग दूंगा, तो आई थिंक यही सोचा और आई थिंक यहीं से जो है वो पाकिस्तान से गलती हुई है, यहीं से पाकिस्तान से गलती हुई है। पाकिस्तान के क्रिकेट फैन जो है वो इस वक्त दुखी है, इवन मेरा जो है तो इवन मोहित के लिए ये बहुत मुश्किल है इस चीज को एक्सेप्ट करना, इस चीज को मानना कि पाकिस्तान इंडिया के
से हार गया है, और ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग ये है कि पाकिस्तान ये मैच जीता हुआ था। जिस तरह की परफॉर्मेंसेज आज हमें इफ्तिखार की तरफ से नजर आई, ईशान मसूद की, फिर शाहीन शाह अफरीदी ने आखिर में पावर एटिंग की, वो जो चीजें थी वो मेरे ख्याल में बहुत जबरदस्त। पंत की टीम में जगह नहीं है, इसे कहते हैं जब नंबर 18 जब जब खड़ा हो जाए तो लोग उसी को देखते हैं, और जब मैच में खड़ा हो जाए तो मैच फिनिश ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। विराट खड़ा था भाई, जिगर से बहुत पावरफुल होता है नंबर 18, ये देख। अबे एक घंटे पहले जब अब्बू खेलने आए थे, जब भी हमने कह दिया था अब्बू इन मैच विन, भले 60 रन होते हैं आखिरी ओवर में, 60 भी खेल देता, ये हमारा बिलीव है भाई, समझ गए क्रिकेट को जितना हम। ये जो ड्रॉप कर रहा था, अब इसको बोलना मुंह में ना ले, जो भी था, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, और यहाँ भी बैठे हुए एक्सपर्ट जो बाबर, अबे कोहली की ग्रेवी तो हो सकता है बाबर, कोहली नहीं हो सकता, वो जो निहारी के बाद आखिरी की बची हुई रोटी खत्म करने की ग्रेवी है, अबे बाबर तो इफ्तिखार चाचू जैसा भी नहीं है, आधा भी नहीं है T20 क्रिकेट में। तुम घटिया लोगों को मैच देखना कब आता है? अबे मेरी ट्वीट चेक करो यार, ट्वीट चेक करो, यानी कि तूने तो दुनिया उजाड़ दी लोगों की, पाकिस्तान की इनिंग के बाद ट्वीट चेक कर लो पाकिस्तान की, कि अब स्विंग विंग नहीं होगा, अब लेंथ पकड़नी है 8 मीटर की। देखो नसीम ने उसी जगह गेंद की शुरू में, नहीं किधर है वो जो कह रहे थे 8 से 10 मीटर पे गेंद गिरानी है, वो एक्सपोज कर दिया, मतलब वो तुम उसी अंदाज से आउट हो गए जो पिछले 2.5-3 साल से आउट होते आ रहे हो, वो लाइन में गिरा हुआ बॉल तुम्हें आज तक खेलना ही नहीं आया, पैड पे ऐसा खा के गए, मतलब वो तो बेचारा फटी हुई में बॉलिंग कर रहा था, जिसके दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज को बॉलिंग करने जा रहा हूं, जिसके चर्चे जो है दुनिया के चांद तक पहुंचे हुए, मतलब जिस तरह का तुमने बल्ला उठाया, बॉल तुम्हारे पैड को खा गई, उसके बाद बैठ के रिव्यू भी तुम खा के चले गए, वो ही मिसबा स्कूल ऑफ थॉट टुक टुक, और उसके बाद रिजवान को अगर आप देखें तो पूरी कोशिश करते रहे, वो आखिर तक कोशिश करी कि लेग पे लपाड़ दे किसी तरह, मगर लेग पे ना लपड़े। दूसरा ये कि यार शान मसूद तो बयान मकान में विराट कोहली के मंजन से बच गया, वो जिस तरह का रन आउट विराट कोहली से आज मिस हुआ है, वो भी जरा ड्रामा ज्यादा कर रहा था, विराट कोहली गेंद लेके भाग के आ जाता, चार कदम रह गए थे, प्रेशर गेम था ना, ये भी तो देखे ना यार के वो उसकी कोशिश नहीं, ये जो नहा धो के विकेट पे ये यूं अदाएं दिखाते हैं इन्होंने, क्यों बैट पे खाली बॉल, नहीं क्या वो तो आए मतलब सिर्फ ड्रामे में बनाओ बाप, ना इनके पास अक्षर है, ना इनके पास कार्तिक है, ना इनके पास केल है, ना इनके पास रोहित है, अबे इनके पास पप्पा है, पप्पा जिनका नाम है दुनिया में, कांपती है टांगे बोलत की, देख लो क्या मारा है उसने, यानी कि अनबिलीवेबल, अनथिंकेबल, यानी कि ऐसा छक्के, ऐसी इनिंग बिल्ड करना, यानी कि दूसरे ओवर से वो खड़ा हुआ 12 ओवर में 50 कर रहा है इंडिया, 17 ओवर में 100 कर, 3 ओवर में 60 रन मारे, जिसके अंदर जो मैक्सिमम हिटिंग है। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। एक चीज़ तो अच्छी लगी कि पाकिस्तानी मीडिया ने विराट कोहली की पारी अप्रिशिएट की। मैंने देखा पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल में मोहम्मद हफीज़, शोएब मलिक और सलमान बट और बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स जिन्होंने विराट कोहली की इनिंग्स को काफ़ी ज़्यादा मतलब सराहा है और बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। तारीफ योग्य बात भी है, ऐसा है, क्योंकि यार ऐसी इनिंग ना, लोग कंपैरिजन कर रहे हैं इस इनिंग को सचिन की 1998 की इनिंग, शारजहाँ की इनिंग, हालांकि मैंने तो वो इनिंग देखी नहीं है, आपने भी नहीं देखी, क्योंकि बहुत सारे जो अभी के बच्चे हैं या अभी के जनरेशन के, या तो बहुत छोटे रहे होंगे वो, या तो बस पैदा ही हुए होंगे, इस तरीके की सिचुएशन रही होगी, तो वो इनिंग को विराट कोहली की इनिंग के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। जो विराट कोहली ने 6 मारा उस इनिंग में, आपने देखा होगा हाइलाइट्स वगैरह में कि सचिन ने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वैसा कुछ 6 मारा था, बट यार ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनिंग थी यार। मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में अगर सबसे ज़्यादा अच्छे मैच अगर होंगे तो 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल, उसके बाद 2013 का चैम्पियंस ट्रॉफी का फाइनल, 2007 अभी हाल फिलहाल की बात कर रहा हूँ, 2007 का फाइनल, और यही चैम, इसके अलावा तो भारत बहुत बड़े बड़े मैच हारा है, तो ये मैच उस लेवल का था, मतलब यार क्या मैच था यार, सीरियसली मैं तो थोड़ा सा चिंतित था कि विराट कोहली स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्लो खेल रहे थे, हार्दिक पांड्या भी स्लो खेल रहे थे, लेकिन यार एक चीज़ माननी पड़ेगी, अगर वहाँ पे वो रिस्क लेते तो शायद विकेट जा सकता था, प्रेशर
मैं स्लो होते हैं बैट्समैन, हार्दिक पांडे ने भी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्राइक रेट से रन नहीं बनाए, बट इनिंग को संभाला, पार्टनरशिप की जो इम्पोर्टेंट पार्ट था, जो प्रेशर था वो एब्जॉर्ब किया। हालांकि एक चीज़ गलत हो गई, हार्दिक पांड्या मैच फिनिश डिजर्व करते थे, डेफिनेटली करते थे, अच्छा बॉलर फंसा था, उन्होंने उस बॉलर को एशिया कप में मारा भी है, मतलब रन बनाए उसके खिलाफ, तो उनको फिनिश करना था ये मैच, वहाँ पे थोड़ा सा उनसे गलती हो गई, उन्होंने बिल्कुल आंख बंद करके ऐसा लगा चला दिया, सीधा खेलते तो शायद वो मार देते और वही मैच फिनिश कर देते। मुझे लग रहा था कि 16 रन तो हार्दिक पांड्या ही ले जाएंगे मैच, बट वो लास्ट ओवर का ड्रामा और फिर कहीं नो बॉल, कहीं फ्री हिट पे दौड़ रहे हैं सब, आपने देखा, और फिर डीके ने मुझे काफ़ी ज़्यादा निराश किया। डीके पता नहीं इतना ज़्यादा प्रेशर, इतने सबसे सीनियर प्लेयर हैं डीके टीम में, बट वो एक उनके अंदर एक मछली सी रहती है जो तड़पती रहती है, और वो डीके, मतलब यार डीके को दो बॉल पे दो चाहिए थे, वहीं पे फिनिश करना था, वो आउट हो गए। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आई थी मुझे, फिर वो अश्विन की चालाकी, हट गए वो और एकदम से वाइड बॉल और फिर वो सामने खेल दिया। क्या मैच यार, क्या मैच, क्या कमेंट करना है प्लीज़, कमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी रिएक्शन आएंगे, पाकिस्तान के सारे क्रिकेटर्स के रिएक्शन आएंगे, जिसका भी फनी रहेगा उसका सबसे पहले आएगा, बहुत सारे आप भी थक गए होंगे वीडियो देख देख के, हम भी वीडियो ला रहे हैं, प्लीज़ चैनल